नमस्कार। आज फिर मैं आरएस राठौर इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करूंगा। हम सभी को छात्रों से खास तौर पे अभी मैं छात्रों को संबोधन कर रहा हूं। अपना मूल्य निश्चित करो, अपने मूल्य को पहचानो। आपके कंधों पर, आपके पारिवारिक धरोहर, आपके पूरी परिवार की धरोहर की विरासत की अक्षुण्ण मर्यादा की डोर आपके हाथ में है। अपने मूल्य को पहचानो, अपने माता पिता, अपने समाज की उतनी बड़ी आकांक्षा आपके ऊपर है, आप हीरो है। अपने मूल्य को पहचानो, उसके बाद अपने उद्देश्य को निश्चित करो। अपने मूल्य को पहचान कर आपने उद्देश्य निश्चित कर लिया, उसके बाद मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। अगर 500 चेयर, 500 कुर्सियां हैं, मैं बोलूंगा कि दो दिन में इस सभी को समेटना है, उसी जगह दूसरा पहलू मैं ये बोलूंगा कि आधे घंटे में सभी को समेटना है। तो आदमी एक ही है, लेकिन कार्य गति और ऊर्जा दोनों में कितना फर्क हो जाएगा। तो अपने जीवन को निश्चित ढांचा कैसे देंगे? अगर मोहल्ला में आपको कार्ड बांटने के लिए दी जाए और बोला जाए कि 500 आदमी को कार्ड देना है एक सप्ताह में, लेकिन उसी जगह यह बोला जाए कि 500 आदमी को कार्ड आज एक दिन में देना है। आदमी एक ही है, इन कार्ड परिणाम कितना फर्क पड़ जाएगा। आप किसी चौराहे पर जा रहे हैं, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 10 मिनट में जाकर लौटना है, कार्य गति कार्य क्षमता में अंतर हो जाएगा। आदमी वही है, इसलिए आप कमजोर नहीं है। इसलिए कहावत है, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला, उसे डर नहीं होता जमीन पर गिर जाने की। तो अपने अंदर एक जुनून लाई, यानी मैंने बताया अपना मूल्य निश्चित करो कि परिवार की धरोहर के कड़ी को कितना ऊंचाई पर जाकर अपने परिवार के प्रतिष्ठा की झंडा को गाड़ना है, या अपने परिवार के चेहरे पर काली पोत देना है। अपने मूल्य को निश्चित करो, फिर उद्देश्य को निश्चित करो, और फिर समय को निश्चित करो कि अगले 2 अटेम्प्ट तक मैं एग्जाम दूंगा। अभी तो यह समय महामंजर महाविनाशकारी, लेकिन इसके बाद सवेरा होगा, इसके बाद में सवेरा होगा, इंतजार समाप्त होगा, सुनहरा अवसर आएगा। तो उसके लिए तैयारी अभी से इस समय में इतनी तैयार अपने आप को कर लेना है। तो मूल्य और उद्देश्य को निश्चित करके
समय सीमा को निश्चित करने से आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। समय सीमा निश्चित करो, ये महामंजर समाप्त होगा, उसके बाद अगले दो बार में एग्जाम दूंगा, उसके बाद में एग्जाम नहीं दूंगा। आप देखिए आपकी कर्म शक्ति कितना बढ़ जाता है। लेकिन साथ में एक वार्निंग दे रहा हूं, आप सभी जानते हैं प्राचीन भारत में बड़ा बड़ा विद्वान, उस समय वैदिक शिक्षा होता था, बड़ा बड़ा विद्वान, बहुत शिक्षित विद्वान पंडित मिलकर हवन कर रहे हैं और राक्षस आता था और हवन में हड्डी फेंक कर चला जाता था, पानी फेंक कर चला जाता था। तो राक्षसों को हड्डी फेंकने से, पानी डालने से तो हवन नाश और अपवित्र हो जा रहा था। यानी कहने का मतलब लाख पांडित्य, लाख शिक्षित होने का उसे कोई फल नहीं मिलता था। उसी प्रकार से अगर आप लड़का है और इस यज्ञ के दौरान आपने जो संकल्प लिया कि हमें दो बार में, दो साल में ये निश्चित कर लेना है, हर हाल में करना है, एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, संकल्प भी लिया एक बार अपने मूल्य को पहचान कर कि हमारा मूल्य अपने माता पिता के लिए, हमारा मूल्य अपने परिवार के लिए क्या है, अपने मूल्य को पहचान कर आपने उद्देश्य निश्चित किया, उद्देश्य को निश्चित करके समय सीमा को निश्चित किया, समय सीमा को निश्चित करने के लिए आत्मीय सम्मान और आत्मीय अनुशासन की जरूरी है। इसलिए यज्ञ में पानी डालने से यज्ञ नष्ट हो जाता है, हवन नष्ट हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है। उसी तरह अगर लड़का है तो आपके जीवन में इस दौरान संकल्प के दौरान अगर कोई अपोजिट जेंडर आता है तो उसी प्रकार से आप सोच लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे वर्षों का अनुभव है, आपको परिणाम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपको चेतावनी भी है। तो आप सभी मिलकर यह संकल्प ले कि सांसें चलती है, आपको सफल होकर जीना है या असफल होकर मर जाना है, घूट घूट के मर जाना है, यह निर्णय आपको लेना है। बिल गेट्स कहा था जन्म लेना बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बुराई है। जो आपके बस में है वो काम भी आप नहीं कर सकते तो आप किस लायक है, आप नालायक है। क्या उम्मीद समाज आपसे करेगा, अपने मूल्य को पहचाने। जो आपके हाथ में है ज्यादा मेहनत करे, कौन आपको रोकता है। ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करो, कौन रोकता है। लगातार पढ़ो, ब्रेक न लाओ, कौन आपको रोकता है। अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखे, कौन आपको रोकता है। तो ज्यादा लेबर करने से बड़ी सफलता मिलेगी और ज्यादा मेहनत करना आपके हाथ में है, यानी कि सफलता आपके हाथ में है, इसकी तोहमत किसी गैर पर मत लगाना। इसलिए आज संकल्प लिए हैं, कल फिर हम लोग वीडियो में, और आज यहीं तक बात करूंगा, नहीं तो जो मुख्य बात है उसमें दब जाएगी। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग, आज यहीं तक। जय हिंद। और आपके अंदर ईश्वर विश्वास वो ताकत वो धार दे जो अपनी सफलता को प्राप्त शीघ्र से शीघ्र कर सके, अपने माता पिता का प्राइड बन सके। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, कल मिलते हैं।